हाय एवरीवन, दिस इज अनिल जांगिड, आज हमारा सेकंड लेक्चर है टाइम एंड वर्क के ऊपर इसमें हम आप अगली टाइप देख रहे हैं जिसको हम एंड और ओर टाइप भी बोलते हैं इंग्लिश वालों के लिए हिंदी वालों के लिए इसको बोलते हैं अथवा या और अथवा या और इसमें क्या कह रहा है देखो कह रहा है दस आद में आदमी मिलकर किसी काम को भाई पंद्रह दिन में कर सकते हैं और यानी अथवा पंद्रह वूमेन उसी काम को बारह दिन में करती है तो भाई इसमें क्या कहता है वो मेनली कि जितना काम दस आदमी या इसमें कई बार वो चिल्ड्रन को भी इंक्लूड कर लेता है तीसरी पार्टी और ऐड हो जाती है उसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है छोटी सी चीज़ बताऊँगा उसी पे सारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ठीक है चैप्टर नहीं मतलब सारी टाइप सॉरी फिर क्या कह रहा है अगर वो सारे मिल जाए दस आदमी और पंद्रह औरत मिल जाए तो काम कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा तो देखो इसमें बेसिक छोटी सी चीज़ समझने की है देखिए क्या कह रहे हैं कि दस आदमी काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं भाई फिफ्टीन डेज और पंद्रह औरत काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं भाई ट्वेल्व डेज तो काम तो सेम ही है ठीक है तो भाई देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि दस आदमी पंद्रह दिन में जितना काम कर रहे हैं वही काम पंद्रह औरत बारह दिन में कर रहे हैं। ऐसे लिख रहे हैं कोई दिक्कत भाई किसी को मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए क्योंकि काम जितना काम ये लोग मिलकर कर रहे हैं ठीक है दस आदमी पंद्रह दिन में जितने यूनिट काम कर रहे हैं उतना ही काम ये कर रहे हैं हम तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहां से इस टाइप के सवाल में ना या तो आप पूरे सवाल को मैन में, में कन्वर्ट कर लेना या वुमेन में वो आपकी मर्जी है ठीक है यहां से आप जो कट रहा हो उसको काट लेना ठीक है बाकी को एज इट इज रख लेना यहां से क्या आया मेरे पास दस मैन इक्वल टू ट्वेल्व वुमेन तो आपकी चॉइस है वो आप मैन में बदलना चाहो या वुमेन में फिर पूरा सवाल उसी में करना है आपको तो मैं इसको एक मैन की वैल्यू निकाल रहा हूँ एक मैन इज इक्वल टू हो गया भाई बारह बटे दस वूमैन के यहाँ तक सबको समझ में आया होगा ठीक है भाई देखो कुछ नहीं जितना काम दस आदमी पंद्रह दिन में कर रहे थे उतना ही काम पंद्रह वुमेन बारह दिन में कर रही थी तो काम बराबर था इसलिए हम दोनों को बराबर टेक दिया दस मैन पंद्रह दिन पंद्रह वुमेन बारह दिन बराबर रख दिया दोनों को तो यहां से एक मैन बराबर आ गया मेरा दस बटे बारह बटे दस के. अब सवाल में चलते हैं भाई देख लो फिर इसमें से ना जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहो जैसे अब ये पूरा सवाल हमने एक मैन की वैल्यू निकाल ली ना तो जहां जहां मैन की वैल्यू आएगी क्वेश्चन में जैसे ये अगले सवाल सॉरी इसी सवाल में कह रहा है कि दस मैन पंद्रह वुमेन तो मैन की जगह पे ना हम वुमेन में कन्वर्ट कर लेंगे सारे को तो उसी इक्वेशन के आगे रखेंगे जैसे अब क्या कह रहा है दस मैन प्लस क्योंकि एंड आ गया ना भाई मतलब मिलकर पंद्रह वुमेन काम को कितने दिन में करेंगे ये सवाल बन गया अब तो हमने यहाँ से एक मैन की वैल्यू टेक देंगे यहाँ तो पूरा सवाल किस में कन्वर्ट हो गया वुमेन में तो दस गुणा बारह बटे दस वुमेन, प्लस पंद्रह वुमेन इज इक्वल टू अब देखो वुमेन में सारा सवाल कन्वर्ट हो गया तो जो वुमेन की इक्वेशन दे रखी थी उसके बराबर कर देंगे तो काम जो हमारा समय था वो निकल जाएगा यहाँ से ठीक है फिर एक बार इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लें कितनी वुमेन बनेगी बे टोटल सत्ताईस वुमेन काम को कितने दिन में करेंगी ये सवाल बन गया अब तो अब इस इक्वेशन के इक्वल टू टेक देना आंसर आ जाएगा भाई पंद्रह वुमैन बारह दिन में जितना काम कर रही थी उतना ही काम किसको करना है सत्ताईस वूमेन को करना है दिन हमें निकालने तो डी लिख लिया मैंने अब इसको काट लो हमें चाहिए क्या डी की वैल्यू ठीक है तो बाकी सब कुछ इधर ले आओ वूमेन से वुमेन कट जाएगा तीन पंज पंद्रह तीन निम सत्ताईस तीन तीन नौ तीन चौक बारह तो ये कितना आ गया पाँच गुणा चार बटे तीन डेज ठीक है बीस बटे तीन कर लेंगे इसको इसका और लिख लो छह सही दो बटे तीन दिन ठीक है भाई होप सबको समझ में आया होगा नहीं समझ में आया होगा तो अगले एक क्वेश्चन और करेंगे इस पर इसी टाइप पे तो आपको क्लियर हो जाएगा एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन में दे रखा था दस आदमी पंद्रह दिन में जितना काम करते हैं उतना ही काम पंद्रह वुमेन बारह दिन में करते हैं तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया दस आदमी पंद्रह दिन में जितना काम कर रहे थे क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक तरह से हम पूरा काम निकालते हैं टोटल यूनिट्स ठीक है इसके हिसाब इस, से डेढ़ सौ यूनिट काम हो गया इसके हिसाब से भाई तीस तीन एक सौ अस्सी यूनिट हो गया तो आप यूनिट में मत जाओ सिर्फ इतना देखो कि जो काम इन्होंने किया उतना ही काम इन्होंने करना है तो दोनों को बराबर रख दिया दस मैन आ गए बारह वुमेन के बराबर एक मैन आ गया बारह बटे दस वुमेन के बराबर अब जो क्वेश्चन में करवाना चाह रहा है हमसे सेम सवाल को हम उल्टा भी कर सकते हैं अगले सवाल में हम वुमेन को मैन में कन्वर्ट करके करेंगे ठीक है यहाँ से आ गई वैल्यू अब उसने पूछा क्या था दस आदमी पंद्रह वुमेन मिलकर तो आदमी को हमने वुमेन में बदल लिया टोटल आ गई हमारे पास सत्ताईस वुमेन का क्वेश्चन बन गया अब सत्ताईस वुमेन काम को कितने दिन में करेंगे तो हमारे पास वुमेन की क्वेश्चन थी क्या बारह वुमेन बारह दिन में काम को कर रही थी ठीक है सबको समझ में आया होगा उसी टाइप का एक दूसरा सवाल कर रहे हैं मुझे लगा कि हो सकता है किसी को समझने में दिक्कत हो इसलिए मैं एक सवाल और ले रहा हूँ उसी टाइप पे सेम ही सेम सही सवाल है देखो 20 आदमी और 24 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर सकती है देखो इसका मतलब मैंने बताया था और यानी कि अथवा कि 20 आदमी 20 दिन में जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम भाई 24 महिलाएं 20 दिन में कर रही हैं ठीक है थीके? उसके बाद क्या रहा है कि अगर 30 आदमी और 12 महिलाएं मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा तो पिछले सवाल में हमने क्या किया था भाई कि बीस आदमी बीस दिन में जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम 24 महिलाएं 20 दिन में कर रही हैं देखो यहाँ पे अगर ये डे से, सेम हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पता ही है कैंसिल आउट हो जाएगा लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया क्योंकि अभी नए नए हो आप लोग या हम एक साथ नए नए हैं धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ चीज़ें हम शॉर्ट में चलेंगे और हो सकता है जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे जो नए हैं उनके लिए मैं सारी चीज़ें बेसिक से बता रहा हूँ ठीक है मेरा पर्पज़ यही है कि भाई मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ ठीक है शॉर्ट ट्रिक हम सारी बेसिक से लेके चल रहे हैं हम नहीं तो शॉर्ट ट्रिक के चक्रों में पढ़ेंगे तो हर एक सवाल के लिए अलग शॉर्ट ट्रिक आ जाएगी और इतनी याद करना संभव नहीं है तो हम जो भी सवाल कर रहे हैं वो आप दो चार सवाल करोगे हर एक प्रैक्टिस पे तो आपका पक्का हो जाएगा अब देखो यहाँ से वही सेम पिछले सवाल की तरह मैन और वुमेन को किसी एक में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया ठीक है थोड़ा सा और कैंसिल आउट कर लिया हमने बस इससे ज़्यादा नहीं काटाई ठीक है जीरो को कभी भी ख़त्म नहीं करना है कैलकुलेशन में बहुत काम आता है जीरो ठीक है लास्ट में जब आपको रिजल्ट देना होता है जब भले ही आप ख़त्म कर लो उससे पहले कोशिश करो कि एक जीरो आप अपने पास रखो यहाँ से आ गया मेरे पास दस मैन बराबर बारह वुमेन के तो इस बार मैं वुमेन में कन्वर्ट कर रहा हूँ वन वुमेन इज इक्वल टू क्या हो गया भाई टेन अपॉन ट्वेल्व मैन के ठीक है आपको जो अच्छा लगे आप उसमें कन्वर्ट कर लो सवाल का आपको आंसर सेम ही मिलेगा ठीक है यहां से ये आ गया हमारे पास अब देखो वो सवाल में हमसे पूछ क्या रहा है? क्या कह रहा है कि तीस आदमी प्लस बारह वुमेन काम को भाई कितने दिन में खत्म करेंगे तो हमने एक वूमेन की अभी अभी लिया था एक वूमेन किया था इतने मैन के बराबर था तो इसको भाई मल्टीप्लाई करके मैन में, में कन्वर्ट करेंगे इतने मैन तो दस मैन पहले थे दस हमारे पास अब तीस पहले थे दस अब आ गए टोटल कितने हो गए अब ये सवाल बन गया हमारे पास तो देखो अब कितना सिंपल हो गया कि भाई देखो सवाल में क्या था बीस आदमी बीस दिन में जितना काम कर रहे थे उतना ही काम अब चालीस आदमियों को करना है कितने दिन में करेंगे वैसे तो वर्बली हो गया होगा जो लोग सीख रहे ढंग से तो भाई कितने से होगा एक जीरो से एक जीरो तो डी हमारा क्या आ गया भाई दस दिन ठीक है होप भाई सबको समझ में आ गया होगा ऐसे ही अगर चिल्ड्रन वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करके देखना अगर दिक्कत हो तो कमेंट में लिख देना नहीं तो उसमें भी कुछ नहीं है उसमें एक तीसरी स्टेटमेंट और घुस जाएगी ठीक है मतलब आ जाएगी सॉरी फॉर माई वर्डिंग उस मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो अगर इसमें चिल्ड्रन वाला और एक लाइन जोड़ दिया जाए कि इतने उसमें एक और और जुड़ जाएगा और इतने चिल्ड्रन काम को इतने दिन में करेंगे तो उसमें भी कुछ कोई दिक्कत नहीं है आप सबका ना एक किसी एक में कन्वर्ट कर लोगे चिल्ड्रन के तो मैन बना लेना चिल्ड्रन के या वमेन बना लेना फिर पूरा सवाल आपका केस में चला जाएगा तो वुमेन में मैन में या चिल्ड्रन में ही कन्वर्ट कर लेना ठीक है सेम ऐसा ही होगा कुछ नहीं है अलग से अच्छी टाइप है आसान है इसी तरीके से सारे सवाल हो जाएंगे इस टाइप के कोई दिक्कत नहीं नेक्स्ट टाइप है जिसको मैं एम डी एच टाइप बोलता हूँ वन ऑफ माई फेवरेट ठीक है इसमें क्या है भाई इसमें देखो आप लोगों ने कई कई एग्ज़ाम अगर किसी ने कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें देखा होगा उसमें एक ऐसा सवाल मैंने तो कई बार देखा है कि 20 आदमी 20 घंटे प्रतिदिन काम कर कर या 20 आदमी 20 बोरिया 20 घंटे में भरते हैं तो दस आदमी दस बोरिया कितने घंटे में भरेंगे इस तरह का सवाल देखा होगा आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे तो इसमें क्या है ये एम टाइप में इसको क्यों बोल रहा हूँ देखना आगे इसमें जैसे ये क्या कह रहा है? परसेंट कैन फिनिश ए वर्क इन 16 डेज बाय वर्किंग सिक्स आवर्स ए डे मतलब 80 आस, आदमी 16 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके जो काम करते हैं उतना ही काम करना है और इस बार बंदे कितने हैं भाई सिक्सटी फोर और कितने दिन में ख़त्म करना है ये टारगेट दे दिया हमें फिफ्टीन डेज का इसमें निकालना है क्या है भाई कि, कि प्रतिदिन कितने घंटे काम करे तो इस टाइप में क्या है वो आपको ना तीन चार वेरिएबल देगा या कई बार तीन दे देगा चौथा दे 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 पूछेगा कई बार आपको पांच दे देगा दे दे छठा पूछेगा तो इसमें करते क्या हम देखो इसको ऐसे लिखते हैं एम डी एच एम वन डी वन एच वन W1 वन तो से लिख लो ये हमेशा बराबर किसके रहेगा भाई M2 D2 H2 टू एच टू है जैसे हमने पिछली टाइप जो करी थी एंड और और वाली उसमें भी लगभग लगभग हमने सेम ही चीज़ें पढ़ी थी उसमें भी हम यही कर रहे थे कि जो बंदे मिलकर मान लो मैन और वुमेन कोई हमें वेरिएबल दे रखे थे कि इतने मैन इतने दिन में जो काम कर रहे उतने ही उतना काम उतनी वुमेन इतने दिन में कर रहे हैं इस टाइप का सवाल था तो सेम उसमें भी यही लॉजिक लगा था लेकिन इसमें हमने पर्टिकुलर इसको एक टाइप ही बता दिया एम एम वन डी वन एच वन अपॉन डब्लू वन इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा एम टू डी टू एच टू अपॉन हमेशा डब्लू टू तो देखो यहाँ पे हमें एम वन की वैल्यू क्या दे रखी भाई पहले आदमी कितने थे अस्सी ठीक है दिन कितने थे हमारे पास डी वन सिक्सटीन और एच वन क्या था ठीक है एच वन हमारे पास सिक्स आवर्स देखो यहाँ पे डब्लू वन हमें दे नहीं रखा लेकिन एक काम ठीक है तो एक को हम लिखे चाहिए ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन ये काम आएगा कब जब कई बार वो हमें जैसे हम एग्जाम्पल ले रहा था बीस बोरिया तो वो बीस बोरिया क्या है भाई काम हो जाता तो वो यहाँ लिखते हैं हम ठीक है या कई बार वो काम का हिस्सा कह देगा कि काम का इतना बटा है पाँच एक बटे पाँच हिस्सा ही कम कर पाते तो शेष काम तो शेष काम क्या बचेगा उस हिसाब से भी काम आएगा ठीक है तो अभी इस सवाल में तो इस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगले सवाल में हम इस पर एक दो सवाल और भी करेंगे तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी यहाँ से क्या दे रखा है भाई M2 दे रखा है हमें कितने बंदे हैं अब बंदे हो गए सिक्सटी कम हो गए अब और दिन भी हमारे पास क्या हो गए कम हो गए डी क्या दे रखा है भाई पंद्रह दिन हो गए हमें निकालना है क्या है एच टू तो जाहिर सी बात है बंदे भी कम हो गए दिन भी कम हो गए एच की वैल्यू आनी तो ज्यादा है अब निकाल लो उसको इसको मैं रब कर दे रहा हूं ठीक है यहां पे लिखेंगे एम वन की जगह एम वन अस्सी गुणा डी वन सोलह गुना एच वन सिक्स ये जितना काम हो रहा था इतना ही काम इन लोगों को करना है एम टू कितना हो गया 64 D2 डी टू हो गया 15 और एच टू हमने निकालना है कितने आर्स ठीक है तो एच टू को वहाँ रख लो बाकी सबको इस तरफ ले आओ या वहीं से काट दो ठीक है जैसी आपकी इच्छा एच टू हो गया 18 इंटू सिक्सटीन इंटू सिक्स अपोन सिक्सटी फोर इंटू फिफ्टीन ठीक है आठ से काट रहा हूँ मैं आठवाटू चौसठ आठ दूँ अस्सी आठ दूनी सोलह ठीक है तीन, पाँच से काट दिया पांच दिए पंद्रह पाँच दूनी दस तीन दूनी छः कितना आ गया भाई ये चार दूनी एट आवर्स दो ये दो ये और दो ये ठीक है दो का क्यूब हो गया या दो दुनी, चार चार दूनी आठ तो अब कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा भाई पंद्रह दिन तक आठ घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे चौसठ लोग तो काम उतने ही दिन में पंद्रह दिन में खत्म हो जाए ठीक है इस पर एक दो टाइप एक दो सवाल और करेंगे थोड़े से कॉन्ट्रैक्टर वाले भी सवाल आते हैं इसमें कितनी लेबर को हटा दे लगा दे उस टाइप के वो भी अब अभी इसी में करेंगे उसी टाइप पे अगला सवाल है ये सवाल बहुत आता है देखो क्या कह रहा है एक आदमी ने किसी काम को करने का ठेका लिया डेढ़ सौ दिन में काम को ख़त्म करने का ठेका लिया भाई और कितने आदमी लगाए दो सौ लेकिन क्या कह रहा है उसने उसको पता चला कि पचास दिन के बाद काम का सिर्फ एक बटे हिस्सा ही खत्म हो पाया है ठीक है एक बटे चार सही ख़त्म हो पाया पचास दिन के बाद अब क्या है उसके पास टाइम बॉन्डिंग है बॉन्डिंग है कि भाई डेढ़ सौ दिन में काम को ख़त्म करना है तो जाहिर सी बात है काम ज़्यादा बचा हुआ है तो उसको बंदे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे वही सवाल में हमसे पूछ रहा है कि भाई कितने और बंदे वो अपॉइंट करे ताकि जो हमारा काम है वो समय पर ख़त्म हो तो देखो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है हमारे पास एम है कितना है बस दो सौ बंदे हैं डी वन भी है हमारे पास कितना है भाई डेढ़ सौ दिन है ठीक है और यहाँ पे क्या दे रखा है भाई क्वार्टर यानी डब्लू वन कितना हुआ एक बटे चार काम हुआ अब थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना है क्योंकि यहाँ पे कुछ काम हो गया है ठीक है बंदे भी ऐड करने हैं दिन कुछ बचे होंगे काम भी हमारे पास कुछ खत्म हो गया कुछ बचा होगा तो वो सब चीजें हमने थोड़ थोड़ी थोड़ी निकालने अब देखो एम टू यहाँ पे हमारे पास क्या होगा भाई यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं भाई 200 बंदे तो थे ही थे प्लस कुछ ना कुछ है हमें ऐड करने हमें नहीं पता हमें वही निकालना है तो हम उसको एक्स लिख दे रहा हूँ कि जो ऐड करने वही बंदे बताने डी टू क्या है भाई बट टोटल दिन थे डेढ़ सौ पचास दिन तो काम हो गया है तो डी टू क्या वैल्यू हमारे पास बची हंड्रेड इतने दिन हमारे पास बचे हुए हैं। और काम क्या है भाई एक बटे चार काम हो गया है तो डब्लू हम डब्लू टू कैसे निकालेंगे टोटल काम क्या गिनते हैं हम एक एक काम था उसमें से एक बटे चार हो गया बचा कितना भाई तीन बटे चार ठीक है एक्स की वैल्यू हमें निकालनी निकल जाएगी भाई एम वन गुणा डी वन अपॉन डब्लू वन इक्वल टू क्या होगा एम टू दो सौ प्लस एक्स गुणा दिन कितने बचे हैं भाई सौ और काम कितना बचा है तीन बटे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो भाई चार से चार कैंसिल आउट हो जाएगा दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गई ठीक है अब निकाल लो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ ठीक है दो सौ जब मैं एक्स इज इक्वल टू दो गुणा डेढ़ सौ ये तीन भी भाई यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा ठीक है ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू निकाल लो तीन सौ कितना हो गया भाई 900 नौ सौ थोड़ा सा मैंने इसमें गलत ले लिए देखो D1 क्या था 50 डेज देखो यही फ़र्क होता है जब हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और मतलब ऑनलाइन वीडियो अपलोड करते हैं क्लासरूम में क्योंकि क्लासरूम में अगर होते तो बच्चे ये गलती पकड़ लेते ठीक है मैंने ध्यान नहीं दिया सीधा ऐसे लिख दिया तो यहाँ पे ये 150 फिफ्टी की जगह क्या आएगा भाई 50 यहाँ पे 50 आएगा क्योंकि मेरे को कुछ ज़्यादा ही वैल्यू आती नज़र आई इसलिए मैंने देखा कि यार कुछ तो गड़बड़ है कितना हो गया भाई ये हो गया यहाँ से और ये 200 सौ यहाँ प्लस में था तो इधर जाके माइनस होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई हंड्रेड ठीक है तो उसको भाई सौ मजदूर और लगाने पड़ेंगे अगर उसको काम को टाइम पे ख़त्म करना है एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं कि आदमी ने भाई ठेका लिया था डेढ़ सौ दिन में ख़त्म करने का दो सौ आदमी लगाए थे फिर पचास दिन तक काम करने के बाद काम ख़त्म हुआ एक बटे चार उसको लगा कि भाई टाइम पे काम ख़त्म नहीं होगा तो कुछ आदमी बढ़ाने पड़ेंगे तो हमने वही किया एम वन हमारे पास दो सौ था कितने दिन बाद उसको पता चला भाई डी वन आएगा फिफ्टी डेज ठीक है थोड़ा सा ध्यान रखना मैंने भी गलती कर दी थी आप लोग मत करना क्योंकि कई बार हो जाता है उसके बाद डब्लू वन क्या है इस बार देखो एच वन नहीं था यहाँ पे कितने घंटे वाला तो जरूरी नहीं कि हर बार वो सारी चीज़ें आपसे पूछे कई बार कोई सी चीज़ नहीं पूछेगा कई बार कोई सी ठीक है डब्लू वन एक बटे चार काम खत्म होगा ठीक है अब ऐसे ही एम टू निकालना है तो 200 बंदे थे कुछ ऐड कर रहा है तो प्लस एक्स कर दिया हमने क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें चाहिए डी टू क्या बचा डेढ़ सौ दिन का काम करना था पचास दिन कर चुके शेष क्या बचा भाई सौ डब्ल्यू टू पूरा काम एक था तो एक बटे चार कर दिया क्या बचा तीन बटे चार सबको एम डी एच वाले फॉर्मूले में फिट किया आंसर आ गया हंड्रेड हंड्रेड आदमी और एड करने होप आपको समझ में आया होगा थैंक यू एक क्वेश्चन और कर रहे हैं इसमें हम उसी टाइप पे जो मैं बता रहा था इसी आज का लेक्चर शुरू करने से पहले ठीक है या आज का लेक्चर के थोड़ी देर बाद बता रहा था कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है कि इतने आदमी इतने कई बार वो सेम वेरिएबल दे देता है कि दस आदमी दस दिन में दस कुर्सियाँ बनाते हैं तो बीस आदमी बीस दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे तो जाहिर कई बार लोग सब कुछ उसमें दस दस, दस देख के और उसमें ऑप्शन एक दिया रहता है बीस तो बीस पर टिक मार देते हैं तो ऐसा नहीं है भाई ये एम डी वाली टाइप है तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है जैसे अभी देखो इसमें सारे वेरिएबल दे रखे हैं हमारे को एम दे रखा है देखो एक बार क्वेश्चन का मैं पढ़ देता हूँ कि बत्तीस आदमी छः घंटे प्रतिदिन काम कर कर चार सौ कुर्सियाँ बनाते हैं कितने दिन में भाई पच्चीस दिन में तो तीस आदमी पाँच घंटे कर प्रतिदिन कार्य करके सॉरी एक वेरिएबल लिखना भूल गया मैं ये इन ये लिख देता हूँ 24 फोर डेज एक लिखना भूल गया था सॉरी कि 30 आदमी वर्क पाँच पर, पाँच घंटे प्रतिदिन कार्य करके चौबीस दिन में कितनी टेबल बनाएंगे M1 कितना है भाई बत्तीस D1 कितना है हमारे पास पच्चीस दिन H1 क्या है हमारे पास भाई छः घंटे और W1 कितना है भाई चार सौ कुर्सियाँ ठीक है।, है सेम एम टू कितना है भाई हमारे पास तीस आदमी हो गए अब डी टू कितना है भाई चौबीस दिन हो गए एच टू भी दे रखा है हमें कितना भाई पाँच घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे W2 टू हमने निकालना है सब कुछ पुट कर दो आंसर तुरंत आ जाएगा बत्तीस एम वन गुणा पच्चीस गुणा सिक्स डिवाइडेड by 400 ये हमारा W1 था बराबर क्या होगा भाई 30 गुणा चौबीस गुणा पाँच डिवाइडेड बाई W2 ये हमने निकालना है तो जो कुछ सीधा सीधा कट रहा हो तो ठीक नहीं तो फिर एक बार W2 लिख के फिर करेंगे ठीक है तो यहाँ से कुछ कट रहा है 25 से 5 कट रहा है बस उसके अलावा छः चोकू चौबीस चो बस थोड़ा सा आसान आसान सा काटें अब इस डब्ल्यू टू को यहाँ लिख लो भाई क्योंकि ये चाहिए हमें ठीक है ये यहीं रहेगा तीस गुणा चार बच गया गुणा ये चार सौ डिवाइड में था ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये सारे इसके टाइम आ जाएंगे बत्तीस गुणा पाँच ठीक है पाँच से काट लो भाई पंच तीस चार अठे बत्तीस आठ, आठ चालीस पचास तो डब्लू टू कितना आ गया पचास छिके तीन सौ तो भाई कितने टेबल बना देंगे तीन सौ कुर्सियाँ बना देंगे तीस आदमी चौबीस दिन में पाँच घंटे प्रतिदिन कार्य करके ठीक है तो जो अभी मैं वर्बली भी बता रहा था कि दस आदमी दस दिन में दस कुर्सियाँ बनाते हैं बराबर बीस आदमी बीस दिन में कितने कुर्सियाँ बनाएंगे भाई ठीक है तो ये वाला सवाल रहता है दो जीरो से दो जीरो काट दो तो W2 हमारे पास क्या आ जाएगा भाई चार गुणा दस यानी चालीस कुर्सियाँ बनाएंगे ना कि बीस ध्यान देना इस टाइप के सवाल आते हैं लोग ऑप्शन देख के टिक मार के गलत कर देते हैं हमेशा इस तरीके से होंगे ये सवाल ये हमारा टाइम एंड वर्क का लास्ट सवाल है उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आती हो और कोई हो सकता है कोई एक आ टाइप छूट गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना फिर हम एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर देंगे फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे इसी का दूसरा पाइप एंड सिस्टम वाला वो भी इसी पे डिपेंडेंट है जितनी टाइप हमने करी है उससे तो कम ही है उसमें सेम है इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने टाइम एड वर्क करा था आपको जरा से भी दिक्कत नहीं आएगी देखो ये लास्ट सवाल है मेरे अभी सामने आ गया तो मैं इसको करा देता हूँ देखो क्या कह रहे हैं हॉस्टल में 120 दिन तक 200 स्टूडेंट का रखने की व्यवस्था है भाई ठीक है और जिसमें एक स्टूडेंट कितना कंज्यूम करता है खाना खाने के ऊपर है सवाल इन्हें हॉस्टल टूल्व हंड्रेड स्टूडेंट है फूड फैसिलिटी फॉर हाँ देखो क्या कह रहा है कि 200 स्टूडेंट की खाने की व्यवस्था एक दिन तक जब एक स्टूडेंट 760 ग्राम एक दिन में कंज्यूम करता है 20 दिन बाद क्या हुआ भाई 50 और स्टूडेंट आ गए उसी हॉस्टल में और अब जो कंजप्शन है वो 760 से बढ़कर कितना हो गया 950 ग्राम फॉर स्टूडेंट अब क्या कह रहा है कि ये खाना कितने दिन तक चलेगा ठीक है बीस दिन के बाद जो भी इनके पास खाना बचा है वो कितने दिन तक चलेगा तो देखो इस सवाल में खास बात क्या है इस सवाल में जो हम डी वन लेंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों देखो 200 M1 एम वन तो है हमारे पास क्या 200 स्टूडेंट अब डी वन हिसाब से तो क्या है भाई क्या बीस दिन हो गए सात सौ साठ बीस दिन लेना चाहिए नहीं ऐसा नहीं है देखो इसमें क्या है अब क्या है डी वन क्या आएगा हमारे पास भाई एक सौ बीस दिन की व्यवस्था थी लेकिन बीस दिन तक खाना खा लिया तो अब जो खाना बचेगा कितने दिन का बचा भाई अगर यही स्टूडेंट रहते हैं तो सौ दिन का खाना बचा हुआ था सौ दिन तक आराम से चलता तो इसमें भाई हमारा D1 आएगा 120 माइनस बीस दिन क्योंकि जो शेष खाना बचा हुआ है वो ही खाना अब 250 आदमियों के लिए चलाना है और 950 ग्राम पर डे के हिसाब से ठीक है तो D1 आ जाएगा हमारे पास 100 क्योंकि भाई 20 दिन का जो खाना था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है ठीक है इसमें वर्क थोड़ा सा समझने का है और कुछ नहीं है D1 आ गया हमारे पास 100। कि 200 आदमी 100 दिन में और एच वन अगर लिखे 760 ग्राम के हिसाब से जितना खाना खाएंगे उतना ही खाना हमारे पास बचा हुआ है और यह किसको खाना है भाई एम टू है ढाई सौ डी टू हमने निकालना है कि कितने दिन चलेगा एच टू हमें दे रखा है नाइन फिफ्टी ठीक है अब निकाल दो सबको बराबर टेक के बस यही वाला इम्पोर्टेंट स्टेप था अगर यहाँ बीस रख देते तो गलत हो जाता क्योंकि ये वाला काम भाई बीस दिन का तो हो चुका है मतलब बीस दिन का खाना एक ख़त्म कर चुके जो रेस्ट बचा है खाना उसी के ऊपर सवाल जाएगा तो दो सौ गुणा सौ गुणा सात सौ साठ बराबर दो सौ पचास गुणा नौ सौ पचास गुणा डी इसको काट लो भाई ये दो जीरो से ये दो जीरो या ये दो जीरो कर लो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद पच्चीस चौके सौ ठीक है और उन्नीस चौक छिहत्तर उन्नीस पंजे पंचानवे पाँच से फिर काट लो इसको पान अठे चालीस तो क्या बचा है यहाँ से भाई दो गुणा चार गुणा आठ तो डी टू आठ चौक बत्तीस दुणी चौसठ ये खाना भाई कितने दिन चलेगा चौंसठ दिन चलेगा ठीक है एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं मैं ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है इसमें बस ध्यान देना क्योंकि अब तक जो हमने डी वन जो भी लिखा था वो सीधा जो उसने दिया कि इतने दिन बाद जो भी काम हुआ इसमें भाई देखो काम हो नहीं रहा है इसमें ना कर, जो खाना था वो खाना घट रहा है इसलिए जो शेष बचेगा वो लेना है यहाँ डी वन बस ये ध्यान देना है कि 120 दिन का खाना हमारे पास था लेकिन 20 दिन का वो ऑलरेडी खा चुके थे तो जो अब खाना बचा है वो 200 स्टूडेंट जो 100 दिन में खाना खाते 760 के हिसाब से वो खाना बचा हुआ है वही खाना 250 सौ को नौ सौ पचास के सॉरी नौ सौ पचास ग्राम के हिसाब से खाएंगे तो कितने दिन तक चलेगा ठीक है होप सबको टाइम एंड वर्क समझ में आ रहा होगा कल से हम पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करेंगे साथ ही साथ हमारी उसमें रीजनिंग भी स्टार्ट हो गई है पैरल में उसकी वीडियोज़ भी आप देखते रहना जिन लोगों को समझ में आ रहा है बढ़िया है नहीं समझ में आ रहा रिवाइंड करके दोबारा कोशिश करना क्योंकि देखो मेरा टारगेट यही है कि अच्छे से इस लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सबका सिलेक्शन हो ठीक है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना चैनल का नाम है ई गुरुकुल थैंक यू